विभाग के सबसे ऊपर के नेता होने के बावजूद क्या यह माना जाए कि परिवार में कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं? देखिए, ताज़ा अपडेट तो ये करा दो विजेंद्र आपको कि ये जो पूरा मसला है लाइट एंड साउंड के टेंडर को लेकर, इसको लेकर पहले ही मंत्री महोदय ने आगाह कर दिया था, एक लेटर, वो दो लेटर अब तक इस बारे में उन्होंने जारी किए, और यूं कहा जा सकता है कि पत्रावली के जरिए उन्होंने इसमें अनियमितता की बात पहले ही कह दी थी और उन्होंने इस टेंडर को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने रद्द नहीं करने के बजाय उसको आगे बढ़ाने की बात करके और जो पूरी जो आज का पुख्ता जो जानकारी है वो मंत्री महोदय के पास है, हम आपको बताएंगे भी उन दस्तावेजों के बारे में भी और किस तरह से। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री से उनकी बात हो चुकी है, ये सबसे बड़ी खबर है, फर्स्ट इंडिया के जरिए आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टेलीफोनिक संवाद हो चुका है, पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे उनसे भी बात हो गई है, और जो नाराजगी थी पर्यटन मंत्री की वो नाराजगी आलाकमान तक पहुंचा दी गई है। हमारे साथ खुद विश्वेंद्र सिंह मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। विश्वेंद्र सिंह जी, एक बड़ा मसला है, एक तरफ तो आप पर्यटन को और इस महकमे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चुस्त दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं और एक ऐसा रेवेन्यू जनरेटर बनाना चाह रहे हैं इसको जिससे राजस्थान को आर्थिक मदद मिले, लेकिन ये जो ब्रेक्स लग रहे हैं बीच बीच में, ब्यूरोक्रेसी आपके आड़े आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब मैं मंत्री बना था तो और अब भी दिन रात मैं एक ही चीज़ सपना देखता हूँ जिसको मैं साकार देखना चाहता हूँ कि नए सर्किट बने, पर्यटन बढ़े, यहाँ पर्यटन में ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें और अपने प्रदेशवासियों के लिए हम इकोनॉमी को सुधार सकें। लेकिन कई मंत्री पहले भी कह चुके हैं और मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अधिकारी, जैसे ये साउंड एंड लाइट शो का वो है, ये 45 करोड़ का ये टेंडर है, ये आज अखबार में छपा है और इस पर खुलेआम एक अधिकारी ने सरकार पर अटैक किया है, यानी मेरे ऊपर, और मैं सरकार का हिस्सा हूँ और ये पूरे दस्तावेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो अनियमितताएँ इस प्रोसेस में की गई हैं, जो मैंने नहीं लिखी, जो मेरे पास टेंडर वालों ने भेजी हैं, ये एक कॉपी, क्योंकि ये सार्वजनिक है, आपको मैं पूरे दस्तावेजों की दे रहा हूँ जो अलग अलग कंपनी से ऑब्जेक्शन आए हैं और ये एक सीरियस मामला है और मैंने मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत करा दिया और उसके साथ साथ अविनाश पांडे साहब को भी अवगत करा दिया कि इस तरीके से अगर अधिकारियों को अगर छूट दी जाएगी कि सरकार पर अटैक करने का तो किस तरीके से काम होगा? क्या मसला है पूरा, कहाँ आपको लगा कि अनियमितता हो रही है, त्रुटियां हो रही है? देखिए, मैं आपको इसमें बड़ा क्लियर कई इसमें अगर आपको दूंगा, मैं एक छोटा सा एक्सपर्ट सुना रहा हूँ आपको इसमें। सर, दीज ऑल टेंडर्स आर डिजाइंड फॉर सम वेरी स्पेसिफिक कंपनीज, ध्यान रखें जो मैंने कहा, हु कैन ओनली एलिजिबल एंड डिजाइन ऑन वेरी स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स फॉर लिमिटेड कंपनीज। दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिस विल इनकर्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फॉर गवर्नमेंट एंड कंप्लीटली अगेंस्ट द CVC गाइडलाइंस। इस तरह की त्रुटियां बहुत हैं, दर्शकों को भी दिखा दें जी, आप ये देखें, मैंने अंडरलाइन कर दी है और ये अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, एक कंप्लेंट नहीं है। तो मैं दस्तावेजों में बात कर रहा हूँ, जो टेंडर जिन्होंने भरे हैं उनके ऊपर जो उनकी कंप्लेंट्स आई हैं उनके वो कॉपी आपको दे रहा हूँ। क्या 9 में से 5 एक ही बिड थी? नौ में से 5 टेंडर्स की एक ही बिड थी, इसका मतलब आप समझ लीजिए। तो ऐसी अनियमितताएं तो नहीं होने दूंगा जब तक मैं विभाग में हूँ। ये अब मुख्यमंत्री जी को डिसीजन लेना है कि विभाग मैं चलाऊंगा या आप सर चलाएंगे, ये डिसीजन उनको लेना है, बड़ा स्पष्ट रूप है। नहीं, आपकी बात हुई अफसरों से, आपने जब तमाम बातें और तमाम जो आपकी क्वेरी थी वो बता दी गई, आपका ऑब्जेक्शन बता दिया गया, उसके बाद ओवरलैप किया गया, ये तो स्पष्ट आपके सामने आ रहा है। लेकिन मैं ये एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ और प्रश्न भी करना चाहता हूँ अफसरों से कि अफसरों को कौन सा अधिकार है कि मंत्रियों का डिसोबे करें या मंत्रियों के खिलाफ पेपर में भी दें? मैंने तो कहीं देखा नहीं, किसी सरकार में मैंने नहीं देखा, और अगर देते हैं तो तुरंत एक्शन होता है उनके खिलाफ। और स्वाभिमानी आदमी हूँ, ईमानदारी से विभाग को चला रहा हूँ, चाहता हूँ कि राजस्थान में पर्यटन भरे, स्टेप्स भी ले रहा हूँ, लेकिन
अधिकारियों पर जूनी रेंग रही है और इस तरीके के भद्दे बेहूदे जवाब वापस दिए जा रहे हैं। तो मैंने तो ये डिसाइड किया है कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, जब तक मैं पर्यटन भवन नहीं जाऊंगा। ये बड़ी बात है विजेंद्र की, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो पर्यटन भवन नहीं जाएंगे जो आधिकारिक कार्यालय है। लेकिन एक बड़ी बात इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम त्रुटियां अनियमितताएं हैं, ये किसकी कारगुजारी है ये अलग बात है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन असेंबली के अंदर जवाब इन्हीं को देना है जी। वो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि असेंबली में जवाब मुझे देना, अगर असेंबली में ये जवाब देना चाहें, अगली बार असेंबली आएगी तो मैं साफ रूप से मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर दूंगा कि जो RTDC के ऊपर कोई भी सवाल है उसको मैं बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि मुझसे वहाँ झूठ बुलवाया जाएगा जो मैं बोलने को तैयार नहीं हूँ। और जिस जो रवैया चल रहा है, जरूरत क्या है, MD RTDC इस पोस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए और डायरेक्टर टूरिज्म और MD RTDC एक होने चाहिए, क्योंकि इसमें चेयरमैन की जगह भी है, उसके ऊपर PST है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके ऊपर राज्य मंत्री हैं, उसके ऊपर मैं हूँ, तो जरूरत क्या है इन इतने अफसरों को यहाँ भरने की। और जिस तरीके से रवैया चल रहा है पर्यटन में विभाग में, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी इसमें हम कर पाएंगे। मंत्री जी, एक साल हो गया है पूरी सरकार को, आप अपनी टूरिज्म पॉलिसी तक नहीं ला पाए, ये एक शर्म की बात है। और कितनी, मैं टूरिज्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप, मैं कितनी बार, मैंने आते ही उसी दिन दिसंबर के महीने में मैंने कमेटी बना दी थी, जैसा मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा है, यूनियन लीडर्स की और तीन बड़े अफसरों की, उसकी मीटिंग तक नहीं करी आज। यूनियन लीडर्स की वजह से आज RTDC की वजह से उनकी यूनियन वालों से वार्तालाप लोगों का नहीं होता, अफसरों का, इसलिए आज RTDC इतने घाटे में, इतनी यूनिट्स हमारे बंद पड़ी हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, गरीब कर्मचारियों की, अफसर तो मौज उड़ा रहे हैं, गरीब कर्मचारियों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ये शर्म की बात है कि 2 महीने की तनख्वाहें बड़ी लड़ा के दिलवाई हैं, उनकी कैसे दिवाली मनी होगी, उनकी कैसे बच्चों की फीस भरी गई होगी, ये किसी को चिंता नहीं। हाल ही में एक सर्वे हुआ इंडिया टुडे का, एक प्रतिष्ठित सर्वे था, और गुड गवर्नेंस का अवार्ड राजस्थान की सरकार को मिला, अशोक गहलोत सरकार को मिला। कहीं लगता है कि ये तमाम जो घटनाक्रम है वो गुड गवर्नेंस का, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विजन है, जो सपना है, जो ड्रीम है, जिसके और देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें हर्डल पैदा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ क्यूमुलेटिव इफेक्ट लाएंगी और मुख्यमंत्री जी जिस लगन से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, ये आप किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये नहीं कि मैं उनका मंत्री हूँ और इसलिए मैं कोई उनके बारे में, लेकिन ये कटु सत्य है कि वो उनसे ज़्यादा मेहनत पार्टी के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए कोई नहीं कर रहा। आज हम लोग भी नहीं कर रहे जितनी मेहनत वो कर रहे हैं इस उम्र में। और जिस तरीके से गुड गवर्नेंस का उनको अवार्ड मिला, एक काबिले तारीफ चीज़ है। लेकिन ऐसे अफसर जो खुद निकम्मे हैं, वो अपना निकम्मापन के द्वारा अगर इस तरीके से सरकार की पॉलिसीज़ को रोकेंगे और अनियमितताएं करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, तो ये तो मुख्यमंत्री जी खुद को सोचना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पर्यटन मंत्री को कितने अधिकार प्राप्त हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। विधानसभा में दानिश अब्रार ने कहा था कि पर्यटन मंत्री को पावरफुल होना चाहिए, एक सवाल पूछा गया था, तो क्या लगता है कि आप एक ऑर्नामेंटल पोस्ट पर बैठे? देखिए, ये सवाल दानिश अब्रार जी ने पूछा ही था, लेकिन आपको याद होगा कि यही सवाल माननीय राजेंद्र राठौड़ जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने भी पूछा था कि RTDC को क्यों नहीं मंत्री के अधीन किया गया, ये कॉरपोरेशन है, जब तक चेयरमैन आप नियुक्त नहीं करते इनको अधीन करिए जिससे नुकसान नहीं हो। आज हमारी आधी से ज़्यादा 3/4 यूनिट बंद पड़ी है, किसी को चिंता नहीं है, अफसरों को चिंता नहीं है, अफसरों के आराम में तो कोई कमी आ नहीं रही। तो इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से रवैया चलेगा तो ऑर्नामेंटली पोस्ट हो गई, मकसद क्या रहा? हम जनता के आदमी हैं तो जनता के बीच वापस जाएं, क्या कर रहे हैं कुर्सियों पर हम बैठ के, अगर जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते या प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर सकते। विश्वेंद्र सिंह जी को जो लोग जानते हैं राजनीतिक हलकों में, वो जानते हैं कि किस तरह का उनका नेचर रहा है, काम करने का स्टाइल रहा है। राजनीति से पड़े एक सवाल विजेंद्र, बड़ा सवाल है, पानीपत फिल्म से जुड़ा। पानीपत फिल्म में महाराजा सूरजमल को लेकर जिस तरह का घटनाक्रम दिखाया गया, चित्रण किया गया है, हमारे साथ खुद महाराजा सूरजमल के वंशज यहाँ मौजूद हैं, विश्वेंद्र सिंह खुद भरतपुर के पूर्व महाराजा हैं और चौदहवीं पीढ़ी इनकी है, हम जो सीधी जो चौदहवीं पीढ़ी है उसमें वो आते हैं, हम बात करेंगे जिस तरह, क्योंकि आपने देखी नहीं फिल्म इसलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, लेकिन क्या लगता है जिस तरह की अब तक बातें सामने आई? देखिए, आज सवेरे मेरे पास दीपेंद्र हुदाड़े जी का फ़ोन आया,
बड़े बहुड़ा साहब, भूपेंद्र सिंह जी एक्सीएम साहब का भी फ़ोन आया और कई जाट सभाओं से, हरियाणा जाट सभा, राजस्थान जाट सभा से फ़ोन आया, भरतपुर और राजस्थान जाट सभा से भी फ़ोन आया। जाट जाति में ख़ास तौर से और भी क्यों जातियों में बड़ा रोष है कि इस जिस तरीके से, मैंने पिक्चर देखी नहीं है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनको दर्शाया है, असलियत जो है ये है कि जब ये मराठा और पेशवा जा रहे थे तृतीय पानीपत युद्ध लड़ने, तो और इनके साथ इनकी लेडीज़ और पूरा लवाजमा भी था, तो महाराजा सूरजमल ने इनको सजेस्ट किया था कि आप, उनकी आर्मी ज़्यादा है, आप न जाएं तो बढ़िया रहे और अपनी लेडीज़ और इनको यहाँ छोड़ जाएं कुम्हेर में। कुम्हेर जब राजधानी हुआ करती थी भरतपुर स्टेट की, तो आप इनको यहाँ हमारे पास सुरक्षित छोड़ जाएं। उनकी जो महारानी थी सूरजमल, महाराजा सूरजमल की महारानी किशोरी, इन्होंने ऑफर दिया था, ये लोग नहीं माने, इन्होंने धमकी दे के गए, उन्होंने ये कहा कि जाट तुझे आके वापस देख लेंगे हम। और जब ये बुरी तरह पिटकर आए वहाँ से, पेशवा और मराठा बुरी तरह पिटकर घायल आए, तो 6 महीने तक इनको, इनकी पूरे सेना को, इनके पूरी लेडीज़ को, जो भी इनके साथ सेना थी, सबको पनाह दिया महाराजा सूरजमल ने और महारानी किशोरी ने 6 महीने के लिए। और वहाँ खांडेराव होलकर जी जो इंदौर के महाराज थे, उनकी डेथ भी हुई है और गांगरसौली में उनका, जो कुम्हेर से 2 किलोमीटर दूर है गांव में, उनकी छतरी बनी हुई है। तो ये बिल्कुल असत्य है और ये केवल इन्होंने जाटों को नीचे दिखाने के लिए इसे काम किया है और मराठाओं की बढ़वाई करने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। क्या करेंगे किस तरह, और इसका विरोध होगा। और मैं आज अपनी तरफ से, नॉट एज मंत्री बट एज इंडिविजुअल, एज ए जाट एंड एज फैमिली फ्रॉम महाराजा सूरजमल, डायरेक्ट इन लाइन 14th generation, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ कि राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर बैन लगाना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को रोज उठा रहे हैं और हो सकता है कि इसके पीछे तगड़ा कोई बवंडर भी मच जाए। सबसे बड़ी बात जो सवाल हुआ वो था पर्यटन महकमे से जुड़ा, जिसको लेकर महाराजा, पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह और पर्यटन मंत्री ने पूरी तरह उंगली उठाई है और अब ये कह दिया कि वो पर्यटन भवन तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये जो सवाल है जिसको लेकर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को घेरा है उन पर से उंगली पर्दा नहीं हट जाता। तो बिल्कुल योगेश, अगर मुमकिन के तो 2 सवाल और उनसे कीजिए, दोनों ही मामलों से जुड़े हुए। जब पर्यटन विभाग की बात होती है तो मुख्यमंत्री मशीनरी को लगातार कस रहे हैं। पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि मशीनरी उनके अंडर जो काम कर रही है वो पूरे तरीके से बेलगाम है, तो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक ताकत है जो उनके महकमे में उनके अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी को भड़का रही है, काम करने नहीं दे रही? और दूसरा सवाल फिल्म से जुड़ा है। सवाल ये कि जोधा अकबर आती है, फिल्म पद्मावत आती है और अब पानीपत आ रही है, तीनों को लेकर विवाद और तीनों राजस्थान से जुड़ जाती हैं, तो क्यों एक ऐसी मशीनरी ना बनाई जाए जिसके जरिए पहले जब इतिहास पर फिल्म बने तो फैक्ट चेक किए जाए, क्रॉस वेरीफाई कराया जाए और उसके बाद फिर फिल्म तैयार हो, क्यों हर बार विवाद हो? क्योंकि वो पर्यटन मंत्री है, इसलिए सवाल है। बिल्कुल, दो बड़े सवाल, तो टूरिज्म मिनिस्टर आप हैं। पहला सवाल जो स्टूडियो से विजेंदर जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, तो क्या लगता है कि पर्यटन महकमे को स्ट्रेंथन करने की कोशिशें करने नहीं दी जा रही? क्या कोई राजनीतिक ताकतें हैं जो विश्वेंद्र सिंह को कमज़ोर करना चाह रही है या सरकार को कमज़ोर करना चाह रही है या फिर इस महकमे के पीछे पड़ी हुई? देखिए, विश्वेंद्र सिंह को तो दो ही लोग कमज़ोर कर सकते हैं, जनता और मीडिया, और दोनों ही मेरे साथ हैं, उनकी कृपा बनी रही है, लेकिन महकमे को ज़रूर कमज़ोर करना चाहते हैं, जिसके लिए विश्वेंद्र सिंह चौकीदार के रूप में बैठा है और जब तक महकमा मेरे पास है कमज़ोर नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े। पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल, बड़ा सवाल, क्योंकि आप टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे में पद्मावत फिल्म आती है, जोधा भाई आती है, अब पानीपत आती है, तीनों फिल्मों का ताल्लुक राजस्थान की इतिहास से, राजस्थान की सरजमी से है और तीनों ही विवादित रही, तीनों से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको लेकर बहुत आपत्तियां राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकारों ने की। एक फिल्म तो बैन हो गई थी, पिछली फिल्म जो आई राजस्थान में वो प्रदर्शित ही नहीं हो पाई, और अब पानीपत आई जो प्रदर्शित हो चुकी है, लेकिन अब सवाल उस पर खड़े हुए हैं।
देखिए ये मेरा फिर कहना चाहूँगा, पद्मावती पिक्चर थी उसमें भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि इतिहास को अपन नहीं बदल सकते, इसमें भी इतिहास को बदलने की कोशिश की है, इसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि महाराजा सूरजमल एक लालची राजा थे, महाराजा सूरजमल ने जितने युद्ध लड़े, हम अकेली स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ किसान का बेटा राजा बना और फिर महाराजा बना, और अहमद शाह अब्दाली ने फिर उन्हें महाराजा ब्रजेंद्र सवाई का टाइटल दिया और उनको इतना सम्मान दिया और इतने बड़े स्टेट्समैन थे, और उनके खिलाफ अगर अनर्गल टिप्पणियां की गई हैं पिक्चर में तो क्यों नहीं बैन हो सकती, और इसके लिए जाट समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया और मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इसको बैन। इस तरह की जो फिल्में जो राजस्थान के संपूर्ण इतिहास की उन बातों को प्रदर्शित करती है जिनको लेकर विवाद हो सकता है, क्यों नहीं आप टूरिज्म मिनिस्टर के नाते निवेदन करें सरकार को कि एक कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम इस तरह की फिल्मों को लेकर पहले से अपनी बात कहे, उसके बाद वो राजस्थान में उस फिल्म का प्रदर्शन हो जिससे भावनाएं और राजस्थान की जो सामाजिक अस्मिता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। देखिए मैं आपके शत प्रतिशत आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन और इसको सुझाव को आपको मैं सरकार तक ऊपर तक पहुँचाऊँगा, लेकिन ये अति आवश्यक है कि कोई भी पिक्चर बने उसको पहले स्क्रीनिंग एक कमेटी होनी चाहिए सरकार की, इस तरह की पिक्चर जो बने किसी महापुरुष पर या किसी घराने पर, उस पर निश्चित रूप से सरकार को एक कमेटी बनाकर पहले वो स्क्रीनिंग करनी चाहिए और उस सरकार उस फैमिली के या उस खानदान के जो भी प्रतिनिधि उनको बुलाकर पूछ लेना चाहिए कि ये सत्य है या असत्य है। आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करोगे तो चाहे राजपूत समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे कोई और समाज हो, वो निश्चित रूप से रिएक्ट करेगा और इसके लिए हम लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक बड़ा सवाल है, मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने ऑनर्स किया है इतिहास से, आप कह रहे हैं किसान जाट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है महाराजा सूरजमल को वो स्वतंत्र वीर कहे गए, वो स्वाधीनता के अलग जगाने वाले योद्धा कहे गए, और वो योद्धा जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। जी देखिए दिल्ली पर कब्जा उनके बहुत अच्छे ऐसा हुआ, उनको धमकी की भरी एक चिट्ठी आई अलाउद्दीन खिलजी साहब से, जो उस जमाने में शहनशाह से, कि मैं तुम्हारे किले कुबेर कहलाता था, कुबेर जब राजधानी को अटैक कुबेर था क्योंकि मैं अटैक करूँगा, तो उन्होंने के नटवर सिंह जी साहब को, नटवर सिंह ने बड़ी अच्छा एक चिट्ठी उनकी किताब लिखी है जिसमें चिट्ठी का वो पूरा वर्णन है, उन्होंने जवाब दिया कि आप हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, अगर आप मुझ जैसे गरीब किसान को अगर आप कुचल भी देंगे तो आपके को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे ईश्वर ने गिरिराजी कृपा से अगर उल्टा हुआ और आपकी पराजय हो गई तो आपकी क्या औकात रहेगी हिंदुस्तान जी, इसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बुलवाया महाराजा सूरजमल को, उनके स्टेट्समैनशिप को अप्रिशिएट करते हुए, आखिर वो भी इन शहनशाह थे हिंदुस्तान के। बिल्कुल योगेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि वो जब तक मंत्री पर्यटन विभाग को झुकने नहीं देंगे और इसका फिल्म का भी वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। बहरहाल